आने वाला सूर्य ग्रहण तुला और वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा? प्रिय साथियों, आज के इस अंक में बात करेंगे कि सूर्य ग्रहण जो 21 जून 2020 को लगने जा रहा है, साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है जिसकी अवधि लगभग 6 घंटे के आसपास होगी, जिसका मोक्ष सूर्य ग्रहण समाप्त लगभग 3 बजे के आसपास होगा। पिछले अंक में मैंने आपको बताया था कि मिथुन राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण कैसा रहने वाला है। आज के इस अंक में खास चर्चा करेंगे तुला और वृश्चिक राशि वालों के बारे में। तो वृश्चिक और तुला राशि वाले जातकों के लिए आने वाला यह सूर्य ग्रहण किस प्रकार के परिणाम लेकर के आने वाला है, इसी विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल पंडित नितिन शास्त्री। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का निशान जरूर दबा लें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। प्रिय साथियों, सबसे पहले बात करते हैं तुला राशि की। जैसा कि मैंने आपको बताया है, यह सूर्य ग्रहण जो है मिथुन राशि में घटित होगा, अर्थात जिस समय सूर्य ग्रहण लगेगा उस समय सूर्य मिथुन राशि में संचार कर रहे होंगे। इससे तुला राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इस सूर्य ग्रहण का? प्रिय साथियों, तुला राशि वाले जातकों के लिए कहीं ना कहीं यह सूर्य ग्रहण संतान संबंधित समस्याएं लेकर के आ सकता है, अर्थात संतान के स्वास्थ्य पर कुछ कष्ट आने की संभावनाएं हैं तुला राशि वाले जातकों की। प्रिय साथियों, तुला राशि वाले जो जातक हैं उन्हें इस सूर्य ग्रहण से श्वास इत्यादि संबंधित रोग भी परेशान कर सकता है। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो 21 जून को जो यह सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, तुला राशि वालों के लिए गुप्त चिंताएं भी लेकर के आ सकता है। आकस्मिक धन हानि तुला राशि वाले जातकों को हो सकती है। उस नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए तुला राशि वाले जातक सूर्य भगवान का जाप करें, सूर्य भगवान का दान करें। प्रिय साथियों, अब बात करते हैं राशि वृश्चिक वालों के बारे में। वृश्चिक राशि के जातक इस सूर्य ग्रहण इनके लिए भी कुछ खास अच्छे फल नहीं लेकर के आ रहा है। वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं इनके लिए कहीं ना कहीं यह सूर्य ग्रहण इनका गुस्सा बढ़ाने वाला, बनते हुए कार्यों में रुकावट डालने वाला और असमय पर धन का कष्ट इनको दिलवा सकता है। कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह सूर्य ग्रहण एक तरह से कष्ट लेकर के आ रहा है, ऐसा योग बन रहा है। वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं स्वभाव से इनका स्वभाव गर्म स्वभाव के होते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया इस सूर्य ग्रहण के परिणाम स्वरूप इनके गुस्से में बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए किसी से भी वाद विवाद करने से इनको बचना चाहिए और किसी के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ना करें वृश्चिक राशि वाले जातक, नहीं तो इनको भयानक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। प्रिय साथियों, वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं कहीं ना कहीं अति अभिमानी होने के कारण भी इनके बनते हुए कार्यों में रुकावट आना स्वाभाविक है, और वहीं पर अगर सूर्य ग्रहण की बात कर रहे हैं तो ऐसे जातक जिनकी राशि वृश्चिक है, सूर्य ग्रहण उनके लिए एक तरह से नकारात्मक नेगेटिव इनको इफेक्ट्स दे सकता है। अगर ये किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करते हैं, किसी के कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं या किसी के प्रति मन में द्वेष की भावना रखते हैं, तो इनको इन सब हरकतों से बचना चाहिए और आने वाले सूर्य ग्रहण को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए इन जातकों को जितना हो सके अपने इष्ट देवता भगवान सूर्य नारायण का जाप करना चाहिए, तभी इनके लिए यह सूर्य ग्रहण नकारात्मक प्रभाव कम कर सकता है, अन्यथा इनको इस सूर्य ग्रहण के नेगेटिव रिजल्ट मिल सकते हैं।
प्रिय साथियों, तो आज के अंक में मैंने आपको बताया कि तुला और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह सूर्य ग्रहण कैसा रहने वाला है। अगले अंक में बात करेंगे अन्य दो राशियों के बारे में कि उनके लिए यह सूर्य ग्रहण कैसा रहने वाला है। साथियों, सूर्य ग्रहण के समय में अधिक से अधिक भगवान का ध्यान करें, इष्ट देवता का ध्यान करें, अपने जिसको भी गुरु जी महाराज को आप पूजते हो उनकी पूजा करें और सूर्य ग्रहण के समय दान करना विशेष पुण्यदायी माना जाता है। अगर आप बाहर कहीं ना जा सकें तो अपने घर पर ही रह करके आसपास अगर कोई मंदिर है वहां जाकर के कुछ ना कुछ सूर्य ग्रहण वाले दिन दान अवश्य करें, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण जो है चूड़ामणि सूर्य ग्रहण है। इस सूर्य ग्रहण के दौरान जो भी जातक सच्चे मन से दान और पुण्य करता है उसके सभी कष्ट भगवान सूर्य नारायण हर लेते हैं और भविष्य के लिए उसको किसी तरह का भी सूर्य ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव नहीं प्राप्त होता। प्रिय साथियों, सूर्य ग्रहण में आप सूर्य भगवान के निमित्त जो वस्तुएं होती हैं उनका अधिक से अधिक दान करें, लाल रंग की वस्तुओं का दान करें जिससे कि भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न होकर के आपको शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। प्रिय साथियों, आशा करते हैं आज का यह अंक आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर आपका अन्य किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप लिंक में दी गई ईमेल आईडी पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्रिय साथियों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले अंक में किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता की, माता रानी आप सभी भक्तों का कल्याण करें।